Hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Billal Ali and you're watching Iambillal. Before starting the video, thoda sa channel ke introduction de deta hu. This channel is about you and me and us discovering the world. Theek hai, main is channel mein videos bhi banaunga, podcast bhi banaunga, apni observations, apne thoughts bhi dunga, reaction bhi banaunga, story time bhi banaunga, theek hai, vlogs bhi banaunga, tech review bhi bana sakta hu. Anything and everything that I find valuable which I can give to you. Okay, whether it be information, knowledge, wisdom, ya phir koi story jisse aapko entertainment mile, okay, ya phir reaction jisse aapko relatability ka factor bane. Anything, okay, and everything. I will, kyunki mujhe experimentation ki aadat badi bachpan se hai. Mujhse ek cheez ya ek niche ya specific task nahi hota. Okay, na chahe ye channel isliye bata raha hu. चूँकि ये चैनल सिर्फ पॉडकास्ट का नहीं है, चैनल सिर्फ ब्लॉगिंग का नहीं है, चैनल सिर्फ मेरे अकेले कैमरे के सामने बात करने का नहीं है, चैनल मैं पॉडकास्ट भी करूँगा, पॉडकास्ट के क्लिप भी आएंगे, व्लॉग्स भी आ सकते हैं, रिएक्शंस भी आएंगे, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे थाट्स भी आ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब भी दे सकता हूँ. एनी थिंग एंड एवरी थिंग विच आई फाइंड, ठीक है ना, मेरा जो वो पैरामीटर है, जो मेरा ना बेंच मार्क है, वो यही है कि ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मैं आप लोगों का, आपका, तुम्हारा फ़ायदा दे सकूँगा तुम्हें. लेकिन अच्छा, तुम मेरी वीडियो अगर तुम देखो पूरी, तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाए, चाहे वो मुँह में मुस्कुराहट हो या फिर देखने में कुछ ख्याल आए और तुम्हें सोचना शुरू कर दो, यार ये पास ने सही की, अच्छी की है. कि वीडियोज़ किसी किस्म की भी हो सकती हैं, तो ये ना समझना कि किसी स्पेसिफिक नीच में है बिलाल का चैनल. बिकॉज बिलाल का चैनल इस बिलाल का चैनल, बिलाल और तुम्हारा, हमारी दोस्ती का चैनल, इसमें सब कुछ चलता है, ठीक है, सब कुछ चलाएंगे इंशाल्लाह. दैट बिंग सेट, मैंने ये बुक, ये चैनल है बुक के, आज की वीडियो है बुक के नाम. मैंने बुक लिखी थी द सर्टन इन अनसर्टन, ठीक है ना, विच इज़ अवेलेबल इफ यू वांट टू ऑर्डर इट, ठीक है ना, लिंक इन बिलो, प्लीज टू बाय इट इन बिलो. अगर आप बाहर कहीं रहते हैं तो अमेजोन पर भी अवेलेबल है, वैसे पाकिस्तान में रहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है. बड़े आराम से आप क्लिक करेंगे, ऑर्डर करेंगे, दो तीन दिनों में आ जाएगी आपके पास. अच्छा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बुक के बारे में कि भाई बुक का नाम है द सर्टन इन अनसर्टन, ठीक है ना, उसको मैंने सबटाइटल दिया हुआ है द कोड टू कॉन्शियसनेस. अब इसको मैं बहुत, चूँकि ज़्यादा पता है बुक के ऐसे बहुत ज़्यादा फलसफों में बहुत ज़्यादा वेरियस परस्पेक्टिव से बातें की गई हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे, मुख्तसर एक लाइन में अगर बात करूँ ना मैं आपको, तो सर्टन इन अनसर्टन इज़ लाइक के अनसर्टनटी की फ़िज़ा में सर्टनटी, ठीक है ना, अनसर्टनटी की फ़िज़ा में स्टेबिलिटी, कंट्रोल, इस बारे में है बुक. इस बुक का कोई ताल्लुक नहीं कोरोना वायरस से, ठीक है ना, पेंडेमिक से, लॉकडाउन से. ये बुक है आपके अपने अंदर के पेंडेमिक और अपने अंदर की अनसर्टनटी की, कैसे आपका मूड ख़राब होता है, आप सैड होते हो तो आप सैड ही होते हो, कैसे आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपका मोबाइल, ठीक है ना, हर चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है सिवाय आप अपने खुद को, कि भाई मैं आज गुस्से में तो मैं गुस्से में हूँ, या मैं आज सैड हूँ तो मैं सैड हूँ. नॉट लाइक कि भाई मैं सैड हूँ तो कोई नहीं, खैर है, इट्स लाइक कि इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई रिलेशनशिप कंट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है, बुरी आदतें कंट्रोल कर रही हैं, बुरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, नेगेटिविटी कंट्रोल कर रही है, नफ्स कंट्रोल कर रहा है, हर चीज़ कंट्रोल कर रही है सिवाय अपने आप के. दिस वीडियो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया, दिस वीडियो इज़ अबाउट मी. आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे तो मैं उनके जवाब आज दूंगा. तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चंस कुछ बड़े, चूँकि मेरे पास मोबाइल अपना यहाँ पे लगाया हुआ, तो मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पड़े हुए, मैं लगा दूंगा कौन सा क्वेश्चन किसने पूछा है, लेकिन मुझे जो चार पाँच क्वेश्चन जहन में बैठे हुए हैं, जो चार पाँच क्वेश्चन जो मैंने रिपीट हुए हुए हैं, वो यही थे कि भाई वॉट वॉज योर रीज़न, पर्पज, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन बिहाइंड राइटिंग द बुक. तो उसका आंसर मुख्तसर करके ये है कि दो चीज़ें थी. पहली चीज़, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, चूँकि बड़े अर्से से इसमें था कि यार मैं अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूं, ठीक है ना, लोगों को पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करूं. लेकिन मसला ये था तो मेरा खुद पर्सपेक्टिव कुछ नहीं था, ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, दिमाग में रॉ ख्यालात थे, लेकिन एक्यूरेट और क्लियर माइंड के साथ ना परसेप्शन मेरी खुद बड़ी वीक थी. तो मैंने
मैं पॉडकास्ट वगैरह में अपने कुछ छोड़ लिए, पॉडकास्ट करता था मैं, उनमें बातें भी तो करता था, हल्की फुल्की लोग समझ भी आती थी, लेकिन ना वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी मेरी एज अ पर्सन कि यार बिलाल इस तरह बन गई है ना बुक से, वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी। तो पहले जो चीज़ थी कि वो ऑथेंटिसिटी ढूंढने के लिए, उस ऑथेंटिसिटी के लिए मैं कैसा कोई काम करना चाह रहा था जिससे मैं लोगों को डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करूँ, ठीक है। दैट बीइंग सेड, मुझे शुरू से ऑब्जर्वेशन करने का बड़ा शौक था, ऑब्जर्व मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की पूरी मैथ्स में, मैथ्स ऑफ यूथ में, के सारे बच्चे नाम फ़र्क हो जाए, शक्लें फ़र्क हो जाए, स्कूल्स फ़र्क हो जाए, ठीक है ना, इंटरेस्ट फ़र्क हो जाए, लेकिन सारे सारे रेवर की तरह, ठीक है ना, वही चार पांच चीज़ों, चाहे वो कोई बंदी हो या कोई क्या कहते हैं उसको ड्रीम जॉब हो, वही चार पांच चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं एंड दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। इट्स लाइक कि भाई मैं आज सैड हूँ तो मैं सैड हूँ, ठीक है, नो कंट्रोल ऑफ देयर ऑन देयर इमोशंस, देयर डिज़ायर्स और एनी थिंग, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली हो। तो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की, तो मैंने फिर बुक लिखना शुरू की, और इवेंचुअली मैंने बताया था इस तरह मेरे रॉ ख्यालात थे दिमाग में, लेकिन जब मैं बुक लिखता रहा, राइटिंग का एक फ़ायदा भी है बाय द वे, जब आपको रॉ ख्यालात आ रहे हो ना कभी किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद लिखना शुरू करते हो तो आपके ना खुद ब खुद थाट्स रिफाइन होते रहते हैं, ठीक है। तो दीज वर द सम पर्पसेस के ना, आई न्यू आई कैन प्रोवाइड पीपल वैल्यू, लेकिन पीपल डिडंट हैड इनफ एविडेंस कि वो मुझे मुझे पे ट्रस्ट करें कि भाई तू तेरे तेरे से क्यों देखे, मैं तेरी बात क्यों माने। तो दिस बुक वॉज नॉट ओनली एन ऑथेंटिसिटी फॉर मी, ठीक है ना, एंड बिलाल, बट इट वॉज ऑल्सो अ रीज़न टू ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड ब्रिंग पीपल मोर वैल्यू। अच्छा जी, दूसरा सवाल है कि एक और सवाल मैडम आया है, वो है कि कितना टाइम लगा बुक लिखने में। बुक लिखने में मुझे एग्जैक्ट 36 डेज लगे विदाउट एडिटिंग, एडिटिंग करते करते 40-10 दिन लग गए थे एडिटिंग में, 46 डेज हो गए, उसके बाद फिर चली गई थी ये पोस्ट प्रोसेसिंग में, ठीक है, जब पब्लिशिंग का पूरा प्रोसीजर होता है, कवर डिज़ाइन का होता है, ठीक है, सारी गलतियाँ का देखने का होता है। ऑल दो आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू, बुक में बहुत गलतियाँ हैं, मैं बुक को देखता हूँ, मैंने बुक को बल्कि रिफर्बिश कर दिया हुआ है, सारी बात अभी वो पब्लिश नहीं हुई हुई, हार्ड कॉपी में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बुक में गलतियाँ हैं, ठीक है, एंड वही बात है, पहला एक्सपीरियंस जो होता है उससे लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, तो उसको मैं एज अ फेलियर नहीं देखूंगा बल्कि एज अ लर्निंग कर्व देखूंगा। तीसरा सवाल था कि वॉट आर सम ऑथर्स दैट यू आर इंस्पायर्ड ऑफ। अगर आप इसी जॉनर में पूछ रहे हो, इंग्लिश बुक्स पूछ रहे हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा सेथ गोल्डन, नोम चॉम्स की, हालांकि उसकी ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने जो एक दो पढ़ी है वो बड़ी बेहतरीन रही हुई है। राइन हॉलीडे इज़ नाइस, ठीक है, वो क्या नाम था उसका यार, तो राइन हॉलीडे इज़ नाइस, ठीक है ना, बाकी उस तरह ये बड़े ऑथर मेरे जहन में आ रहे हैं अभी, लेकिन ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं किसी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, किसी भी इंसान का मैं फ़ैन नहीं रहा आज तक बता, किसी का भी, ठीक है ना, आई डोंट नो व्हाई, मैं लोगों को पसंद करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोगों के काम पढ़ता हूँ सुनता हूँ, लेकिन किसी का ना फ़ैन वाला लेवल का नहीं पहुँचा मैं, इतना पसंद नहीं मुझे किसी का। खैर, अच्छा जी, अगला सवाल ये था कि आर यू राइटिंग एनी फर्दर बुक्स, तो उसका आंसर भी यस, आई एम राइटिंग फर्दर बुक्स, इनफैक्ट आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। आज क्या है, 2016 में ईद का चौथा दिन है, ठीक है, सुबह के 7 बजे हुए, आज के तारीख में मैं 4 बुक्स पे एक साथ ही काम कर रहा हूँ, मतलब कभी किस पे, कभी किस पे, कभी किस पे, आई डोंट नो, इससे मेरी स्पीड बढ़ेगी, जो कि मेरा एक्सपेरिमेंटल फेज है, मैंने एक ही बुक लिखी है, कोई 1000 बुक्स नहीं लिखी हुई, तो आई डोंट नो इससे मेरी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बट या साइमल्टेनियसली एक साथ ही मैं 4 बुक्स पे काम कर रहा हूँ, उनमें से सब चलना था आता हूँ, एक बुक एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है, फ्री होगी अमेजोन पे होगी, आप पढ़ लेना, ठीक है ना, फ्री है तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बुक है सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो भी फ्री होगी। तीसरी बुक है द 100 ईयर स्ट्रेटजी, उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी और विजन ब्रेक डाउन किया कि हाउ वी मुस्लिम्स कैन नॉट ओनली सर्वाइव बट रूल द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगर हम ये सारा कुछ करने के काबिल रहे और अगर मैं इमाम मेहदी का जहूर खरा ना हुआ तो। खैर, वो बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर कभी फिर बात करेंगे, ठीक है ना। चौथा बुक है, चौथी बुक है
बियॉन्ड परसेप्शन को मैं थोड़ा कुछ स्लो स्लो लिख रहा हूँ, लेकिन उसको आराम आराम से लेके जा रहा हूँ, तो उसके कोई मुझे टाइम लिमिट नहीं है बाकी। लेकिन इंशाल्लाह इस साल दो मिनिमम दो या तीन बुक्स पब्लिश होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी एक और बुक का मुझे आइडिया आया, वह लेकिन मैं लिखना ही शुरू किया अभी उसको, वो है मोमिनिज्म। आप सुना होगा स्टोइसिज्म के बारे में, ग्रीक फिलोसफी स्टोइसिज्म। तो मैंने कहा यार ग्रीक फिलोसफी और स्टोइसिस बनना चाह रहे होते हैं कि भाई हमें स्टोइसिस बनना है, लेकिन मुझे प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा, लेकिन लोग बनना चाहते हैं लोग कि मार्कस का बनना है फैन हम भाई, हम प्लेटो के एरिस्टोटल के फैन हैं। तो मैंने कहा भाई इनको ना मोमिनों से मिलवाना पड़ेगा, इनको मोमिनों से और मोमिनों की ज़िंदगी से मिलवाना पड़ेगा। इन्होंने अली बिन अबी तालिब नहीं पढ़े हुए अभी, इन्होंने अभी अबू ज़र गफ़ारी नहीं पढ़े हुए, जब वो ये लोग वो पढ़ेंगे ना तो फिर ये मोमिनिज्म मोमिनिस्ट बन जाएंगे। तो मैंने वो मोमिनिज्म लिख रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ बात है, मैं बात तो नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आई होप यू देयर विद मी, एटलीस्ट कुछ तो है। अच्छा जी, तो मैंने गौर किया है कि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, मैं कटिंग करके भी इसको कोई 10 मिनट तक की तो हो गई है कटिंग करके भी, तो मैं जल्दी से ना जल्दी से आंसर्स की जवाब देता हूँ। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई आपने जो लिखा है क्या आपने उसको भी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट किया है, इनकॉर्पोरेट मतलब आपने उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। तो मैंने ये चीज़ शुरू में लिखी थी बुक के कि या अल्लाह मुझे उस तरह का ना बनाए जो लोगों को हिदायत दे, लोगों को सीयत दे, लेकिन ख़ुद उस पर अमल ना करे, ठीक है ना। तो मेरी फुल कोशिश रहती है, अगर कभी कमी बेशी हो तो कोशिश रहती है मेरी, ठीक है। दूसरा सवाल था कि वॉट वॉज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक इज़ ऑब्वियसली द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, ऑन हाउ आई एक्सप्लेन के देर इज़ मोर देन जस्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, देर इज़ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड इंटेलिजेंस। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का तो पता है, लेकिन एक और चीज़ भी है वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इट्स लाइक वेन एवर हमारा दिमाग और हमारा जिसम कुछ ज़्यादा ही भाग होता है दुनिया की चीज़ों के पीछे, चाहे वो गाड़ी हो, पैसा हो, वो डिग्री हो, स्कॉलरशिप हो, बंदी हो, जो मर्जी हो, तो वी फील दिस एंशियसनेस थ्रू आवर सोल, लेकिन दिस डिप्रेशन, दिस डेस्परेशन, दिस हॉलोनेस, उस फीलिंग को जो आपको महसूस भी होगी अक्सर, उस फीलिंग को मैंने कहा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इट्स योर सोल, ठीक है ना, जो आपको बार खींच रही है बार बार के, बस सेन हो जाओ, बैलेंस करो जिंदगी को। खैर वो बड़े मजे का टॉपिक है पाए थे, अगर हमें अगर स्पोक है तो वो लाजमी उसको ज़्यादा थोड़ा डीपली पढ़ना और समझने की कोशिश करना। बाकी लोगों ने पूछा है कि व्हाट आर सम एडवाइस यू वुड गिव टू ऑथर्स। सम एडवाइस आई वुड गिव टू द ऑथर्स के नो योर पीपल हुम यू आर राइटिंग द बुक फॉर एंड आंसर द वाई, कि वाई डू यू वॉन्ट देम टू रीड योर बुक। सिर्फ पैसे के लिए कि भाई मेरी बुक ज़्यादा सारा बिके, मुझे पैसा मिले या मेरा कोई ख्याल पढ़ ले, क्यों मैं आपकी बुक पढ़ूँ, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। जब आप इस चीज़ पर क्लियर हो जाओगे ना कि भाई ये मेरा बंदा, ये वो वाला बंदा मेरी बुक पढ़ेगा, ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस आएगा लिखते हुए भी, बल्कि आपको बुक ज़्यादा ना बिके तब भी आपको सुकून मिलेगा, सिर्फ जितने लोगों ने पढ़ी है उसने उसमें पढ़ी तो है ना। खैर दीज वर सब क्वेश्चन, कुछ थोड़े से रह भी गए हैं चंद एक, ठीक है ना, वो फिर कभी कर लेंगे सेशन, लंबा बहुत हो गई वीडियो, तो हम माजत करते हैं। बाकी दिस इज़ सर्टन अनसर्टन, ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट बुक, दिस इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, और 150-160 सफ़ों की किताब है, ये हार्ड कॉपी में है, मैं यहाँ पे सेल्समैन बन गया हूँ, ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ओह खैर दिस ये बुक वेरी क्लोज टू माई हार्ट है, अगर आपको लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आई प्रॉमिस, अगर कोई बंदा जो कि बिगनर रीडर है या फिर मीडियम लेवल का रीडर है और सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता है, ठीक है, वही बुक पढ़ेगा उसको कन्फर्म कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा, ठीक है ना, फ़ायदा मंद, और कुछ ना कुछ ऐसा परस्पेक्टिव लाजमी मिलेंगे जिससे वो सोचेगा एटलीस्ट ज़रूर। चूँकि बुक का मकसद यही था कि आप ज़िंदगी रातों रात बदल जाएगी या रातों रात करोड़पति बन जाओगे, बुक का मकसद था कि ऐसे कुछ ख्यालात आपके जहन में उजागर हो कि आप उनके बारे में सोचो। अगर बंदे ने सोचना शुरू कर दिया ना उन ख्यालात के बारे में, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सोचेगा और कुछ ना कुछ नतीजा निकालेगा। तो इस बुक का मकसद क्या था, थिंकिंग, सोचवाओ लोगों को। अच्छा जी, तो यू कैन बाय द बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ बाय द बुक, ले लो यार, अभी मेरे पास पड़े हुआ स्टॉक, ये स्टॉक ख़त्म होगा तभी मैं नया वाला स्टॉक बनवाऊँगा, ठीक है ना, उसमें मैं अच्छी ज़्यादा और चीज़ें मैं ऐड भी करने, लेटेस्ट एडिशन डालूंगा, ठीक है, तो ये स्टॉक ख़त्म करने हैं।
आपके ताबुन चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी पैसे ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट आपने ये वीडियो पूरी देखी है, ये काफ़ी है। जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह को मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।